इनपुट एंड आउटपुट के फर्स्ट मॉडल का फोर्थ एक क्वेश्चन है हमारे पास। इनपुट दिया हुआ हमें क्वीन, मैरी, 79, 62, 17, 20, ग्रीन और वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी लास्ट बट वन। लास्ट बट वन यानी कि जो लास्ट स्टेप है उसे पहले का स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पर 5। तो अब हमें यहाँ पे स्टेप्स बताने हैं जो लास्ट बट वन है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट है वो है क्वीन, मैरी, 79, 62, 17, 20, ग्रीन और वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसके स्टेप्स देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आएगा यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा वेस्ट। वेस्ट के बाद हमारे पास वर्ड है सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारे पास नंबर। तो डिजिट है हमारे पास 17, तो ये सेकंड स्टेप। इसके बाद हमारे पास वर्ड आएगा जो कि आएगा क्वीन, तो ये यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप पर आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी है तो ये एज इट इज रहेगा। तो क्वीन के बाद हमारे पास नंबर आएगा 20, ठीक है। तो ये क्वीन के बाद आएगा यहाँ पर, तो ये भी थर्ड स्टेप में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा मैरी, तो मैरी भी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो मैरी यहीं पे रहेगा, तो ये फोर्थ स्टेप में। देन वर्ड के बाद हमारे पास आएगा नंबर, डिजिट जोन से है वो है 62, तो 62 आएगा यहाँ पे, ये भी फोर्थ स्टेप में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आएगा हमारे पास वर्ड आएगा ग्रीन, तो जो ग्रीन आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो स्टेप 5 है हमारे पास, और उसके बाद आएगा 79, ये भी स्टेप 5 में ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ड या डिजिट जो कट हुए हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास इसके जो टोटल स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स होंगे यहाँ पर 5, ठीक है। जो फिफ्थ स्टेप होगा वो यहाँ पर लास्ट स्टेप होगा, लेकिन लास्ट बट वन नहीं होगा। तो फिफ्थ स्टेप से पहले स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लास्ट बट वन स्टेप होगा यहाँ पर। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेप 4। अगर इस इनपुट की जो आउटपुट के लिए स्टेप्स हो लगते हमारे, अगर वो 7 होते तो लास्ट बट वन यहाँ पर 6 नंबर स्टेप होता, अगर 9th होते तो 8 नंबर जो स्टेप होता वो लास्ट बट वन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास फिफ्थ स्टेप थे, तो इसका आंसर आया हमारे पास स्टेप नंबर 4, लास्ट बट वन। तो बिना कुछ भी लिखे हमने जस्ट यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, जो आउट को हमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे वर्ड आएगा या डिजिट आएंगे, सेकेंड नंबर पे वर्ड आएगा या डिजिट आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो भी रूल यहाँ अप्लाई किए गए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग बिना स्टेप्स को लिखे हुए हमें ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर फिफ्थ स्टेप आएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी ये फाइंड आउट करना हो कि क्वेश्चन में जो हमें इनपुट दी हुई है उसकी आउटपुट क्या है, यानी कि उसमें क्या रूल या क्या उसके अंदर स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, तो उसके लिए हम हमेशा लास्ट स्टेप को ही देखेंगे, ठीक है। हमें पहले ही सीक्वेंस दिया होता है हर एक क्वेश्चन में कि इस तरह का हमें जो स्टेप्स हैं या इस तरह के जो रूल हमने फॉलो करने हैं, तो हम हमेशा यहाँ पर लास्ट स्टेप को देखेंगे। लास्ट स्टेप को देखकर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा रूल लगाया हुआ है, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।